शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 7 जुलाई 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 11 नवंबर 2000। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाप दादा हम बच्चों को संपूर्ण स्थिति के बारे में समझा रहे हैं कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को समीप लाओ। बाप दादा ने अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट बच्चों को देखा। आप बच्चे होलीएस्ट हो, आपकी पवित्रता से प्रकृति भी पावन बन जाती है, देह भी पावन मिलती है। आप हाईएस्ट हो क्योंकि आपने ऊंचे से ऊंचे बाप को पहचाना। आपकी स्मृति, दृष्टि, वृत्ति सब ऊंची बन गई। आपकी सबके प्रति रहम की भावना, कल्याण की भावना, आत्मिक भावना है। आप बच्चे लकीएस्ट हो, आपका भाग्य कितना ऊंचा है। भाग्य विधाता 21 जन्म के लिए आपका भाग्य कितना श्रेष्ठ बना देते हैं। साथ साथ आप रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, आपके कदम कदम में पदम है, हर कदम में आप पद्मों की कमाई जमा करते हैं। अब बाबा सब बच्चों को एक बात कह रहे हैं कि अब संपूर्ण स्थिति को समीप लाओ, हर एक दिल में संपूर्णता का झंडा लहरा जाए। ऐसी फ्लैग सेरेमनी करो, हर एक महसूस करे आ गए बाबा, आ गए बाबा को प्रत्यक्ष करो। उसके लिए बाबा ने कहा, समय के अनुसार मास्टर दातापन की स्थिति में रहो, सबको देने वाले। हिम्मत भी आपको देनी होगी, कमजोर को कमजोर कहकर छोड़ नहीं देना। हिम्मत का एक कदम आपका पदम गुणा मदद बाप दादा की। हिम्मत से बल भरते रहना, कमजोर आत्माओं को भी आगे बढ़ाते रहना। बाबा ने बच्चों से पूछा कि बाप दादा आपको एक कार्य देते हैं, आप करने के लिए तैयार हो? बहुत सुंदर कार्य बाबा ने दिया कि अब ये 6 मास मैं और मेरेपन का संपूर्ण त्याग, संगम की जीवन मुक्ति का अनुभव करो। एक तो है सत्ययुगी दुनिया में जाना, वहां की जीवन मुक्ति का अनुभव करना, उससे पहले संगम की जीवन मुक्ति क्या है। परिस्थितियां आएंगी, बातें आएंगी, बहुत सारे विघ्न आएंगे, लेकिन आपके ऊपर उनका असर ना पड़े, विघ्न प्रूफ बन जाए। बाबा ने कहा ऐसी संगम की जीवन मुक्ति अनुभव करते हो, साधन भी बढ़ेंगे, साधनों की आकर्षणों से भी मुक्त। ऐसा बनने के लिए कितना समय चाहिए? बाबा ने कहा, बाप दादा 6 मास में आपकी रिजल्ट देखेंगे। चलो 6 मास में 75% तो बन जाओ, चलो 100% नहीं 75% तो बनो। कई सोचते कि इसमें तो बहुत मरना पड़ेगा। बाबा ने कहा मरना नहीं, लेकिन ये जीते जी जीना है। ये मरना नहीं, ये मीठा मरना है। ये मरना जी दान प्राप्त करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दूसरी आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकेंगे। सुनते हैं बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। अव्यक्त स्थिति में रहकर सुनेंगे और वैसा वैसा अनुभव करते जाएंगे। आज के महावाक्यों का सार है, संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व में समय प्रति समय होलीएस्ट आत्माएं आती रही हैं। आप भी होलीएस्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत बन, प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती हो।
आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती हो। आपकी पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सतो प्रधान पवित्र बना देती है। इसलिए आप सब आत्माएं प्रकृति का ये शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हो। आपकी पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ चैतन्य सबको पवित्र बना देती है। इसलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है, आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति के साधन भी सतो प्रधान पावन होते हैं। इसलिए विश्व में होलीएस्ट आत्माएं हो, होलीएस्ट हो, अपने को होली समझते हो कि हम विश्व की होलीएस्ट आत्माएं हैं। हाईएस्ट भी हो, क्यों हाईएस्ट हो, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे भगवान को पहचान लिया, फील करेंगे ऊंचे से ऊंचे बाबा को हमने पहचान लिया, ऊंचे से ऊंचे बाप द्वारा ऊंचे से ऊंची आत्माएं बन गए। साधारण स्मृति वृत्ति दृष्टि कृति सब बदलकर श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप श्रेष्ठ वृत्ति श्रेष्ठ दृष्टि बन गई। किसी को भी मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो, आपकी वृत्ति भी श्रेष्ठ बन गई। किसी को मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो, ब्रदरहुड वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से, प्रभु परिवार के भाव से। चेक करेंगे हमारी मुलाकात ऐसी होती है कि हम सभी को आत्मिक भाव से मिले, कल्याण के भाव से मिले, रहम भाव से मिले, ये प्रभु परिवार है इस भाव से मिले, तो हाईएस्ट हो गए ना, बदल गए ना। और लकीएस्ट कितने हो, कोई ज्योतिषी ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची, स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची है। और गारंटी कितनी बड़ी दी है, 21 जन्मों के तकदीर के लकीर की अविनाशी गारंटी ली है, एक जन्म दो जन्म नहीं, 21 जन्मों के तकदीर के लकीर की अविनाशी गारंटी ली है। एक जन्म की नहीं, 21 जन्म कभी दुख अशांति की अनुभूति नहीं होगी। सतयुग के 8 जन्म, त्रेता के 12 जन्म प्लस एक संगम का, इसमें भी हम जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं। ये 21 जन्म दुख अशांति की अनुभूति नहीं होगी, सदा सुखी रहेंगे। 3 बातें जीवन में चाहिए, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस, तीनों ही आप सबको बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त है। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस गारंटी है ना, 21 जन्मों की सबने गारंटी ली है, पीछे वालों को गारंटी मिली है, सभी हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। बच्चा बनना अर्थात बाप द्वारा वर्षा मिलना, बच्चा बन नहीं रहे हो, बन रहे हो क्या, बच्चे बन रहे हो या बन गए हो। बच्चा बनना नहीं होता, पैदा हुआ और बना, पैदा होते ही बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाप द्वारा अभी प्राप्त कर लिया, फिर आप रिचेस्ट भी हो, लकीएस्ट के साथ आप बहुत रिचेस्ट भी हो, बहुत धनवान भी हो, ब्राह्मण आत्मा, क्षत्रिय नहीं ब्राह्मण। ब्राह्मण आत्मा निश्चय से अनुभव करती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं फलाना नहीं, मैं आत्मा रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ। ब्राह्मण है तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा के लिए परमात्म याद से हर कदम में पदम है। ब्राह्मण आत्मा के लिए हर कदम में पदम है, जो कदम याद में उठाए जाते हैं उसमें पदमों की कमाई है। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते हो सोचो, हर कदम में पदम, सारे दिन में कितने पदम हो गए। ऐसी आत्माएं बाप द्वारा बन गई, मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूँ ये याद रहना ही भाग्य है, मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूँ ये याद रहना ही भाग्य है। तो आज बाप दादा हर एक के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं, आप भी भाग्य का सितारा देख रहे हो ना,
बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं या बच्चे बाप को देख के खुश होते हैं? कौन खुश होता है, बाप या बच्चे? कौन? तो सबने कहा बच्चे। बाप खुश नहीं होता? बाप बच्चों को देख खुश होते हैं, बच्चे बाप को देख खुश होते हैं, दोनों खुश होते हैं, क्योंकि बच्चे जानते ये प्रभु मिलन, ये परमात्म प्यार, परमात्म वर्षा, परमात्म प्राप्तियां अभी ही प्राप्त है। ये परमात्म प्यार, परमात्म वर्षा, प्राप्तियां अभी प्राप्त हैं, अब नहीं तो कभी नहीं। ऐसे हैं बाप दादा, सिर्फ एक बात बच्चों को रिवाइज करा रहे हैं। कौन सी? समझ तो गए हो, यही बाप दादा रिवाइज करा रहे हैं कि अब श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। ये विश्व की आत्माओं का आवाज है, लेकिन लाने वाले कौन? आप हो या कोई है? ऐसे सुहावने श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाले आप सभी हो? अगर हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, फिर दूसरी बात भी है, वो भी समझ गए हो तब हंस रहे हो। अच्छा, उसकी तारीख कौन सी है? डेट तो फिक्स करो ना। अभी डेट फिक्स की कि फॉरेनर्स का टर्न होता है, तो ये वाला टर्न फॉरेनर्स का होता है, डेट फिक्स करते हो ना। डेट फिक्स तो कर ली, अब समय को समीप लाने वाली आत्माएं बोलो इसकी डेट कौन सी है। वो नजर आती है, पहले आपको नजरों में आए तब विश्व पर आ रही। बाप दादा अमृत वेले विश्व में चक्र लगाते हैं। तो क्या देखा बाबा ने? देख देख सुनकर रहम आता है, मौज में भी हैं, मौज के साथ मूझे हुए भी हैं। बाप दादा पूछते, हे दाता के बच्चे, मास्टर दाता कब अपने को मास्टर दातापन का पाठ तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे? या पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो, तैयारी कर रहे हो? विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं, अब विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम करो। आप विश्व परिवर्तन के निमित्त हो, विश्व की आत्माओं पर रहम करो। होना तो है ही, ये तो निश्चित है, होना ही है। आप निमित्त आत्माओं द्वारा ही होना है, सब देरी किस बात की है? बाप दादा हर ये सेरेमनी देखना चाहते हैं, हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता, संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। हर एक दिल में संपन्नता, संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। जब हर ब्राह्मण के अंदर संपूर्णता का झंडा लहराएगा, तब विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। तो ये फ्लैग सेरेमनी बाप दादा देखना चाहते हैं। जैसे शिवरात्रि पर शिव अवतरण का झंडा लहराते हो, ऐसे अभी शिव शक्ति पांडव अवतरण का नारा लगे। एक गीत बजाते हो ना, शिव शक्तियां आ गई। अभी विश्व एक गीत गाए शिव के साथ, शिव शक्तियां पांडव प्रत्यक्ष हो गए। पर्दे में कहाँ तक रहेंगे? पर्दे में रहना अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता तो हटाने वाला कौन? तो किसी ने कहा, बाबा पूछ रहे हैं कौन हटाएगा? बाबा हटाएगा, कौन हटाएगा? ड्रामा हटाएगा या आप? जब आप हटाएंगे तो देरी क्यों? तो ऐसे समझे ना कि पर्दे में रहना अच्छा लगता है। बस बाप दादा की सिर्फ एक ही ये श्रेष्ठ आशय है, सब गीत गाएं, वाह आ गए आ गए आ गए, सबके दिल से निकले आने वाले आ गए, बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए, हर एक रूह ये गीत गाए वहां आ गए आ गए आ गए। हो सकता है? देखो दादियां सब कहती हैं हो सकता है, फिर क्यों नहीं होता? कारण क्या? जब सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो कारण क्या? तो किसने का संपन्न नहीं बने? क्यों नहीं बने? डेट बताओ। डेट तो बाबा आप बताएंगे। बाप दादा का महामंत्र याद है? बाप दादा क्या कहते हैं? कब नहीं अब। दादी जी कह रही हैं बाबा फाइनल डेट आप ही बताओ। अच्छा, बाप दादा जो डेट बताएगा उसमें अपने को मोल्ड करके निभाएंगे, पांडव निभाएंगे पक्का? अगर नीचे ऊपर किया तो क्या करना पड़ेगा? तो दादी जी ने कहा कि आप डेट देंगे तो कोई नीचे ऊपर नहीं करेगा, मुबारक हो। अच्छा, अभी डेट बताते हैं, देखना। देखो बाप दादा फिर भी रहम दिल है। बाप दादा डेट बताते हैं, अब अटेंशन से सुनना। बाप दादा सब बच्चों से
श्रेष्ठ भावना रखते हैं, आशा रखते हैं कम से कम 6 मास में। मास कब तक पूरा होगा? तो बताया मई में। मई में मैं खत्म। बाप दादा फिर भी मार्जिन देते हैं कम से कम 6 मास में, जो बाप दादा ने पहले भी सुनाया और अगले सीजन में भी काम दिया था, अपने को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ। 6 मास अपने को जीवन मुक्ति के अनुभव में लाओ। सत्युग की सृष्टि की जीवन मुक्ति नहीं, संगम की जीवन मुक्त स्टेज। कोई भी विघन परिस्थितियां, साधन, मैं और मेरापन, मैं बॉडी कॉन्शियस का, मैं और मेरा बॉडी कॉन्शियस की सेवा का, इन सब के प्रभाव से मुक्त, मैं मेरेपन से मुक्त। ऐसे नहीं कहना कि मैं तो मुक्त रहना चाहता था, ये विघन आ गया, ये बात ही बहुत बड़ी हो गई। छोटी बात तो चल जाती है, बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा पेपर था, बहुत बड़ा विघन था, बड़ी परिस्थिति थी। कितनी भी बड़ी परिस्थिति, विघन, साधनों के आकर्षण सामना करे, सामना करेगी, ये पहले ही बता देते हैं। कम से कम 6 मास में 75% मुक्त हो सकते हो। बाप दादा 100% नहीं कह रहे, 75%। पौने तक तो आएंगे, तब पूरे पर पहुंचेंगे। तो 6 मास में, 1 मास भी नहीं, 6 मास दे रहे हैं, वर्ष का आधा। तो क्या ये डेट फिक्स कर सकते हो? देखो दादियों ने कहा फिक्स करो, दादियों का हुक्म तो मानना है ना। रिजल्ट देखकर बाप दादा स्वतः ही आकर्षण में आएंगे, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 6 मास और 75%, 100 नहीं कह रहे, उसके लिए फिर आगे टाइम देंगे। तो इसमें एवर रेडी हो, एवर रेडी नहीं, 6 मास में रेडी। पसंद है या थोड़ी हिम्मत कम है, पता नहीं क्या होगा। शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, सब आएंगे। मतलब बड़ी बातें भी आएंगी, छोटी बातें भी आएंगी, विघन भी आएंगे, परिस्थितियां भी आएंगी, साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन साधनों के प्रभाव से मुक्त रहना। पसंद है ना, तो हाथ उठाओ, टीवी घुमाओ, अच्छी तरह से हाथ उठाओ, नीचे नहीं करना। बहुत अच्छी सीन लग रही है, अच्छा इन एडवांस मुबारक हो। ये नहीं कहना हमको तो बहुत मरना पड़ेगा, मरो या जियो बनना ही है। ईश्वरीय महावाक्य, मरो या जियो बनना ही है। ये मरना मीठा मरना है, इस मरने में दुख नहीं होता, ये मरना अनेकों के कल्याण के लिए मरना है, इसलिए इस मरने में मजा है। ये मरना अनेकों के कल्याण के लिए मरना है, इसलिए इस मरने में मजा है। दुख नहीं सुख है। कोई बहाना नहीं करना, ये हो गया ये हो गया, बहानेबाजी नहीं चलेगी। बहानेबाजी करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। उड़ती कला की बाजी करना और कोई बाजी नहीं करना। गिरती कला की बाजी, बहानेबाजी, कमजोरी की बाजी, सब समाप्त। मन ही मन संकल्प कर लेंगे, जी बाबा मैं तैयार हूं, ना तो हम बहानेबाजी करेंगे, ना ही गिरती कला की बाजी, सदा उड़ती कला की बाजी, उड़ती कला की बाजी। ठीक है ना, सबके चेहरे खिल गए। जब 6 मास के बाद मिलने आएंगे तो कैसे चेहरे होंगे? तभी भी फोटो निकालेंगे। डबल फॉरेनर्स आए हैं ना, तो डबल प्रतिज्ञा करने का दिन आ गया। दूसरे किसी को नहीं देखना, सी फादर सी ब्रह्मा मदर। दूसरा करे ना करे, करेंगे तो सभी, फिर भी उनके प्रति रहम भाव रखना। बाई चांस कोई नहीं भी करता है जो बात बाबा ने कही, ऐसे भी कोई कमजोर आत्माएं होती हैं, तो बाबा ने कहा बोले कोई नहीं भी करता है ना, उनके प्रति भी रहम भाव रखना। कमजोर को शुभ भावना का बल देना, कमजोरी नहीं देखना, ऐसी आत्माओं को अपने हिम्मत के साथ उठाना, ऊंचा करना। हिम्मत का हाथ सदा स्वयं प्रति, सबके प्रति बढ़ाते जाना। अपना हिम्मत का हाथ स्वयं प्रति, औरों के प्रति ऊंचा करना। हिम्मत का हाथ स्वयं प्रति, सबके प्रति बढ़ाते रहना। हिम्मत का हाथ बहुत शक्तिशाली है, बाप दादा का वरदान है। हिम्मत का 1 कदम बच्चों का, 1000 कदम बाप की मदद। निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं, निस्वार्थ पुरुषार्थ, स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं, निस्वार्थ पुरुषार्थ। इसमें जो उठे वो ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तभी तो ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार कहलाते हो। जब चैलेंज करते हो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, तो अभी सेकंड में अपने को मुक्त करने का अटेंशन, अभी समय को समीप लाओ। आपकी संपूर्णता की समीपता
श्रेष्ठ समय को समीप लाएगी। आपकी श्रेष्ठ स्थिति समय को भी समीप लाएगी। मालिक हो ना, राजा हो ना, स्वराज्य अधिकारी हो तो ऑर्डर करो। राजा तो ऑर्डर करता है ना, ये नहीं करना ये करना है, बस ऑर्डर करो। अभी अभी देखो मन को, क्योंकि मन है मुख्यमंत्री। तो हे राजा, अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित कर सकते हो। एक सेकंड में अशरीरी बन सकते हो। करो ऑर्डर एक सेकंड में। बाबा ने फिर ड्रिल कराई, 5 सेकंड के लिए करेंगे। मैं अशरीरी आत्मा हूं, बाबा ने कहा। अच्छा, मुलाकात है बाबा की, जो बाबा के समक्ष बैठे हुए थे डबल विदेशी मेहमान, कॉल ऑफ टाइम के प्रोग्राम में आए हुए मेहमानों से समय की पुकार, ये प्रोग्राम चल रहा था। तो बाबा उन मेहमानों से मिले, सभी अपने स्वीट होम में, स्वीट परिवार में पहुंच गए ना। छोटा सा स्वीट परिवार प्यारा लगता है ना, और आप भी कितने प्यारे हो गए। सबसे पहले परमात्म प्यारे बन गए, बने हैं ना, बन गए या बनेंगे। देखो आप सबको देखकर सब कितने खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं, सबके चेहरे देखो बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं जानते हैं, सब गॉडली मैसेंजर बन आत्माओं को मैसेज देने के निमित्त आत्माएं हैं। ये बाबा का मैसेज सुनकर औरों को सुनाने वाली आत्माएं हैं, क्योंकि पांचों खंडों के बाबा के सामने बैठे हुए हैं, तो 5 खंडों में मैसेज पहुंच जाएगा। सहज है ना, प्लान बहुत अच्छा बनाया। इसमें परमात्म पावर भर के परिवार का सहयोग लेके आगे बढ़ते रहना। सबके संकल्प बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं, संकल्प बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं, प्लान बन रहे हैं। तो प्लान को प्रैक्टिकल लाने में हिम्मत आपकी, मदद बाप की और ब्राह्मण परिवार की। सिर्फ निमित्त बनना और मेहनत नहीं करनी है। मैं परमात्म कार्य के निमित्त हूँ। कोई भी कार्य में आओ तो बाबा मैं इंस्ट्रूमेंट सेवार्थ के लिए तैयार हूँ। मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, चलाने वाला आप ही चलाएगा। हम सब निमित्त हैं, चलाने वाले बाबा अपने आप चलाएंगे। ये निमित्त भाव आपके चेहरों पर निर्माण निर्माण और निर्माण भाव रखेगा। करावनहार निमित्त बनाए कार्य कराएगा। माइक आप, माइट बाप। माइक आप, माइट बाप। तो सहज है ना, तो निमित्त बन के याद में हाजिर हो जाओ। बस तो आपकी सूरत, आपके फीचर्स स्वतः ही सेवा के निमित्त बन जाएंगे। सिर्फ बोल द्वारा सेवा नहीं करो, लेकिन फीचर्स द्वारा भी आपकी आंतरिक खुशी चेहरे से दिखाई देगी। इसको कहा जाता अलौकिकता। आपके चेहरे से खुशी दिखाई दे, इसको कहते अलौकिकता। अभी अलौकिक हो गए ना, लौकिकपन खत्म हो गया। मैं आत्मा हूँ ये अलौकिक, मैं फलाना हूँ ये लौकिक। तो मैं कौन हूँ, अलौकिक या लौकिक? अलौकिक होना अच्छा है। बाप दादा परिवार के सामने पहुँच गए, बहुत अच्छी हिम्मत रखी। देखो आप भी कोटों में कोई निकले ना, कितना ग्रुप था उसमें कितने आए हो, तो कोटों में कोई निकले ना अच्छा है। बाप दादा को ग्रुप पसंद है, और ये देखो कितने खुश हो रहे हैं, आपसे ज़्यादा खुश हो रहे हैं, क्योंकि सेवा का रिटर्न सामने देखकर खुश हो रहे हैं। खुश हो रहे हैं ना, मेहनत का फल मिल गया। अच्छा भी तो बालक सो मालिक हो, बालक मास्टर हैं। बच्चे को सदा कहा जाता मास्टर। अच्छा, सदा लवलीन लक्की आत्माओं को बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई प्राप्तियों की अनुभवी आत्माओं को स्वराज्य अधिकारी बन अधिकार द्वारा स्वराज्य करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को जीवन मुक्त स्थिति की अनुभवी हाईएस्ट आत्माओं को भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर द्वारा लकीएस्ट आत्माओं को पवित्रता की दृष्टिवृत्ति द्वारा स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन करने वाली होलीएस्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान सफल करने की विधि से
सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भव, सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भव। संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी है वरदान भी है, सफल करो सफलता पाओ। सफल करना है बीज, सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है फल ना मिले हो नहीं सकता। तो जैसे दूसरों को कहते हो समय संकल्प संपत्ति सफल करो, ऐसे अपने सर्व खजानों के लिस्ट को चेक करो, कौन सा खजाना सफल हुआ कौन सा व्यर्थ। सफल करते रहो तो सर्व खजानों से संपन्न वरदानी मूरत बन जाएंगे। सफल करते रहो तो सब खजानों से संपन्न वरदानी मूरत बन जाएंगे। समय संकल्प संपत्ति इन्हें सफल करते जाएंगे तो सफलता मिलती रहेगी। स्लोगन है परमात्म अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो। परमात्म अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो अर्थात छोड़ दो तो बाबा से अवार्ड मिलेगा। आज हम सब चलते फिरते अपने संकल्प को पक्का रखेंगे, मैं बहुत लकीएस्ट आत्मा हूँ, होलीएस्ट आत्मा हूँ, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ, सर्व को हिम्मत देने वाली आत्मा हूँ, मन ही मन बाबा से वायदा करेंगे जो कार्य आपने दिया करना ही है। भले बातें छोटी आए या बड़ी, मुझे इन सब बातों में विघन प्रूफ रहना है। सूक्ष्म मैं और मेरेपन को पहचान कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। बाबा से दृष्टि ले, शक्ति प्राप्त करें, जब अपने सूक्ष्म मैं और मेरेपन को स्वाहा कर सकें, कमजोर आत्माओं को बल दे सकें। बाबा से शक्ति लेते जाए, सबको देते जाए। बाबा ने कहा वर्तमान समय जो भी जीवन में विघ्न आते हैं यह तो छोटे छोटे पेपर हैं, लेकिन लास्ट में बेहद के बड़े पेपर आने वाले हैं। तो वह बड़े पेपर कौन से होंगे, यह जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।